बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत ऑफिस होंगे, सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे इंशाल्लाह। आज के मेरे नए व्लॉग में आप सबका खुश आमदीद। आपका तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आज की रूटीन में आपसे शेयर करूंगा। तो सुबह का आगाज हुआ है इंशाल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सारा दिन की रूटीन अच्छी डाले। तो मैंने कहा पहले आपसे बातचीत हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला बाकी को रूटीन शुरू करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा। देखे कितना प्यारा, मैंने काफी दिन हो गया बकरों में, ये देखे माँ की बकरी कौन सी है वो, इसके नाम बनी बिल्लो, ये रानी है। हाँ जी, क्या हाल है? खाने में मसरूफ है, कोई लिफ्ट नहीं, कोई चक्कर नहीं, खाने में मसरूफ है, कोई लिफ्ट नहीं। बच्चा और पौधों का भी हाल देख रहे हैं, पौधे कैसे, ये पौधे भी और अच्छे और लकों से भी मिल रहे और वो कैसे, काफी दिन हो गए ऊपर भी है। हाँ जी, अच्छे और लको ये न्यूज वाली मिल रहे हैं, अच्छे और लको से खेल रहे हैं सारे, हैप्पी देखे सारे, कितने खुश है। नाश्ता हो रहा है, चाय रास्ता नाश्ता हो रहा है, बड़ा है, भैंस है, बकरी है, भेड़े हैं, दुकान खोली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह तेरा शुक्र। तो चले मिलते हैं हम थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। ये सारे दिन की रूटीन आपसे शेयर हो। देखिए माशाल्लाह सुबह से बड़ी प्यारी हवा चल रही है और का मौसम बड़ा ही खुशगवार हुआ हुआ, बहुत प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह। मैं तो जोहर की नमाज पढ़ने, मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बातचीत हो, बहुत प्यारा माशाल्लाह मौसम हो रहा है। और इसी मौसम जितना प्यारा है इसी की वजह से मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है माशाल्लाह, सुबह आके बादल हुए हमें और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। देखे हवा कितनी तेज चल रही है, मैंने कहा आप लोगों से भी आप शेयर कर देखे माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज है। देखे नहीं अभी भी माशाल्लाह अभी भी जोरों से आवाज चल रही, बहुत प्यारी आवाज चल रही। तो आप भी मेरे साथ साथ ये मौसम एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉय जिंदगी में टेंशन है तो परेशानियां बड़ी हैं, लेकिन छोड़ के टेंशन लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। कौशल से हुई है मेरी फोन पे बात क्या हुई है ये भी आपसे मैं शेयर करूंगा, क्या उसने मुझे बात की है। वो फिलहाल तब तक मौसम को ना एंजॉय करें, मैं शायद हवा की आवाज आ रही हूँ, बहुत प्यारा मौसम।
लेकिन बड़ी तेज हवा चल रही है। तो तब तक करें आप भी, मैंने सब मौसम इंजॉय, तो नमाज पढ़ के फिर आपसे मैं शेयर करूंगा क्या मेरी बात हुई कौशल है। जी व्यूअर, आज थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया है, तो जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाता हूँ, तो फिर आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। बाकी जो मेरी उज्मा कौशल से बात हुई, उज्मा से भी हुई है, तो मैं ये पहले थोड़ा सा जो ये सप्लाई आई हुई है मेरे पास, इसको मैं जोड़ लूँ, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह बात करूँगा। तो तब तक ये मैं माजरत हूँ, मैं अभी जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लें, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे बात करता हूँ। आज चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आज क्रिकेट मैच है, आज कोई फ्रॉड भी ज़्यादा नहीं लगा हुआ, और ये देखें आए फ्रूट नहीं लाए, ये कल वाला ही बेच रहे हैं। जी व्यूअर, आज सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, काम मेरे पास ज़्यादा है, वो पहले ये थोड़ी सी जो मेडिसन है इनको जोड़ लें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे। वो काम मेरे पास आज कुछ ज़्यादा है, तो जल्दी से निपटाते हैं, बाकी की बात आपसे बाद में करेंगे इंशाल्लाह। जब मासर की नमाज पढ़ने लगे, इंदिरा अंदर छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, पढ़ता हूँ अक्सर मास, नमाज पढ़ लें असर की, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे बात करते हैं। जी व्यूअर, कौशल से मेरी हुई है बात फ़ोन पे, तो मैंने कहा जी क्या मसला आपके साथ, तो कह रही जी मसला तो मेरे साथ कोई नहीं है, बस मैंने कहा था कि आप मुझे कभी लेने नहीं है, तो मुझे आप लेने आओ, तो मैंने कहा आपको पता है कि मैं सारा दिन दुकान पे बिज़ी होता हूँ, अक्सर मैं कहीं आता जाता भी नहीं, क्योंकि काम ही मेरा ऐसा है, वो दुकान में बंद नहीं रख सकता, मेडिसिन का काम है, इसमें तो छुट्टी बनती ही नहीं, ना ही छुट्टी है, तो इंशाल्लाह ताला फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको ले जाऊँगा। मैंने कहा सारी उम्र अब ये टेंशन रहनी है, मैं तो ये इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बार बार आपको लेना जाऊँ या छोड़ने जाऊँ, के चले आप आओ तुझे। फिर मैंने उज्मा से बात की, मैंने कहा जी ये सारी उम्र अब यही टेंशन रहनी है मेरे साथ, वो कह रही हुआ क्या, तो मैंने कहा जी ये जो बात है, तो कहती कुछ मैंने तो आप लोगों को इसलिए अकेला छोड़ा है कि आप लोग खुश रहें, तो लिहाजा इस मसले का हल आपके पास ही है, आप खुद ही मेरे ये मसले को हल करें। तो उस उमा की कॉल ख़त्म हुई, तो उसके बाद कौशल के अब्बू की मुझे कॉल आ गई, तो कह रहे हैं जी क्या मसला है आप लोगों के साथ, मैंने कहा जी मसला तो कोई नहीं है, तो कह रहे मसला कोई नहीं तो फिर क्यों बात बढ़ाई जा रहे हैं आप लोग, मैं ना बहम बात बढ़ा रहा हूँ ना ही, मैंने कहा जी इसमें बात को बढ़ाने वाली तो कोई बात नहीं है, तो कह रहे चले आप नहीं आपने फिर सुबह कराओ, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ, बैठ के बात करते हैं इस मसले का, मसला तो कोई नहीं, मैं चलो इंशाल्लाह ताला कल जाऊँगा कौसर को ले आऊँगा, उनके घर जाऊँगा, तो फिर आपको भी उनसे मिलवाऊँगा, कौसर के घर जो जिधर आप वो रह रहे हैं, मैं वो भी आपसे विज़िट करूँगा, और सॉरी आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा। तो ये देखें यहाँ पे ना बड़े प्यारे मेरे फोन नज़र आ गए, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँगा, बहुत ही प्यारा गुलाब है माशाल्लाह। तो चलें जी इंशाल्लाह ताला मैं सुबह जाऊंगा कौसर को लेने, मेरा आज थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं जा नहीं सका, उनके अबू भी परेशान हो गए, उनके भी मुझे कॉल आई, तो कह रहे आप कॉल आओ, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो अब
क्योंकि जी हम बात को ख़त्म करना है तो मुझे पहल करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और आप लोगों से भी मिलवाऊंगा उनको। तो इसी तरह मैं चाहूँ तो आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि मैं थक गया हूँ बोल के। मेरी तो ये देखे ट्रेन जा रही है, माशा ये नज़ारा। मैंने कहा इसको कैच के ना बात तो आप फिर करेंगे। देखें इतना प्यारा भी हो गया, सुबह से मौसम भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना हुआ। सुबह से ठंडी हवा चल रही है और आप भी इंजॉय करें। मैंने कहा अब मैं टेंशन छोड़ देनी है दोनों। अब जैसे मैं मामला मैडम, मैंने अब किसी की टेंशन नहीं लेनी। अपनी लाइफ को चिल करें, इंजॉय करें और हंसी खुशी रहें आप सब लोग भी इंशाल्लाह। मेरी नमाज पढ़ी आप सबके लिए दुआ की है। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खरम रखे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो मुझे ढेर सारे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखें। तो इसी तरह मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी ज़िंदगी के मामला थोड़े से बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। तो अपना मैं आप व्लॉग का अहतमाम करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।